जब से ड्रीम इलेवन का नया बैकअप फीचर आया है तब से सभी लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि इसको यूज़ क्यों कैसे करना है और कहाँ पे शो करेगा और हम लोगों को शो क्यों नहीं कर रहा है। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, सारे तरीके बताने वाला हूँ कैसे इसको यूज़ करना है और कैसे शो करेगा, कहाँ पर शो करेगा और फिर कैसे आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को जब ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको बैनर शो करता है कुछ इस प्रकार से। तो आप लोगों को जस्ट आना है और यहाँ पर दिखेगा टू मैनी टीम्स टू लिटल टाइम आवर न्यू बैकअप फीचर विल हेल्प, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है आप लोगों को। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये कोई भी आप टीम बनाओगे तो हर टीम में हर मैच में नहीं शो करेगा, जिस मैच में के लिए ये अवेलेबल रहेगा उसी मैच में शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप लोग जो टीम आप लोग बनाते हो उसके अलावा आप लोग एक्स्ट्रा 4 बैकअप प्लेयर जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब इसका फीचर कुछ इस प्रकार से शो करता है, जैसे आप लोग टीम बनाओगे तो यहाँ पे जो पेंसिल का आइकन एडिट करने के लिए शो करता है, कॉपी का आइकन जो शो करता है कॉपी टीम एडिट करने के लिए, और यहाँ पर जो है शेयर का आइकन शो करता है। इसी बीच में आपके लिए एक बैकअप का ऑप्शन आएगा जिसमें आप लोग एक प्लेयर को हटा के दूसरा प्लेयर को ले सकते हो, दूसरे प्लेयर को हटा के फिर आप लोग अलग प्लेयर को ले सकते हो। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टीम बनाए वह शो कर रहा है आपको एग्जांपल के लिए, लेकिन यहाँ पे कैसे वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एज अ बैकअप जो आप लोग टीम बना लेते हो उसके बाद आपको 4 खिलाड़ी शो सिलेक्ट करना है इस बैकअप फीचर के तहत, और फिर यहाँ पे आप लोग उसे सब्स्टिट्यूट की जगह पे चेंज कर सकते हो, अनअनाउंस्ड को अनाउंस के प्लेयर जगह पे चेंज कर सकते हो। तो ऐसे करके आप लोग इसे यूज कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया गया है, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हो। दिया गया फैंटेसी पॉइंट फॉर ओनली 11 प्लेयर, तो आप लोग जानते ही हो कि 11 प्लेयर को ही यहाँ पे फैंटेसी पॉइंट दिया जाता है। उसके अलावा जो आपके 4 बैकअप प्लेयर होंगे उन लोगों को पॉइंट नहीं दिया जाएगा। अगर उन बैकअप प्लेयर को आप लोग मेन प्लेयर में लेकर आ जाते हो तो फिर जो मेन प्लेयर को आप लोग हटाओगे तो उस मेन प्लेयर की जगह पर जो बैकअप प्लेयर आएगा उसको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि बैकअप कैन ऑनली रिप्लेस अनअनाउंस्ड एंड सब्स्टिट्यूट प्लेयर। बैकअप जो ऑप्शन है यहाँ पे उसे आप सिर्फ सब्स्टिट्यूट प्लेयर को चेंज कर सकते हो या फिर अनअनाउंस्ड प्लेयर को चेंज कर सकते हो जो कि अनाउंस नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो प्लेयर मान लीजिए कि आपने सिलेक्ट किया और वो प्लेयर नहीं चला और दूसरा प्लेयर चल गया तो आप उससे चाहो कि दूसरे प्लेयर को सिलेक्ट कर ले जो चल गया है जो अच्छा पॉइंट दिया है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो ऐसा आप लोग गलती से भी करने का कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बताया गया है यहाँ पर कि बैकअप कैन ऑनली रिप्लेस प्लेयर्स इफ़ टीम क्रिएशन रूल्स आर फॉलोड, जो कि मैंने बताया कि हर मैच के लिए फॉलो नहीं करता है। तो जिसमें आपको यहाँ पे बैकअप का फीचर दिखेगा जहाँ पे शो करेगा वहीं पे आप लोग इसका यूज कर सकते हो, जो कि आइकन में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑल रिप्लेसमेंट हैपन एट मैच डेडलाइन एज पर लाइनअप डिटेल प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी पार्टनर्स। तो ये सभी चीज़ें आप लोग जानते ही हो कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग जो बैकअप रूल बुक है यहाँ पे दिया गया है। तो सब कुछ सारे आपके क्वेरीज सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कैन यू एक्सप्लेन बैकअप विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है तो हम लोग जानेंगे। मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पे एक टीम बनाए, ठीक है, उसमें आप लोग रखे हैं संजू सैमसन को, डेविड वार्नर को, विराट कोहली को, स्टीवन स्मिथ को, रोहित शर्मा को, हार्दिक पांड्या, जंपा चहल, उनादकट, रसविन और उमरान मलिक, ठीक है। तो यहाँ पे दो आपके अनअनाउंस्ड प्लेयर है जो रेड वाला शो कर रहा है, संजू सैमसन और स्टीवन स्मिथ, और रोहित शर्मा और डेविड वार्नर जो है, और यहाँ पे युजेंद्र चहल है, ये सारे जो हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं, ठीक है। अब मान लो कि आपने बैकअप में 4 प्लेयर सेलेक्ट करके रखा है, पहला लुकेश राहुल को, दूसरा जडेजा को, तीसरा फिंच को और चौथा जो है ईशान किशन को, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैकअप में आपके जो 4 प्लेयर हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। अब यहाँ पे एडिट वाले आइकन पे क्लिक करके आप लोग इसे एडिट कर पाओगे। अब देख सकते हो यहाँ पे समझाया गया है अनअनाउंस प्लेयर इन द टीम संजू सैमसन, स्टीवन स्मिथ, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इतना जानने का जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे कैसे आपको चेंज करना है, ठीक है। स्टीवन स्मिथ जो है आप देख सकते हो अनअनाउंस प्लेयर है और इसके एलिजिबल रिप्लेसमेंट जो हो सकते हैं केएल राहुल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नहीं खेल रहा है तो उसकी जगह पे केएल राहुल को हम लोग अपने टीम में ले लेंगे एज ए बैट्समैन, तो ये चेंज हो सकता है, ठीक है। अब संजू सैमसन की जगह पे सोचोगे आप लोग कि संजू सैमसन नहीं खेल रहा है तो उसके जगह पे हम लोग आरन फिंच को ले लें, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप लोग विकेट कीपर की जगह पर विकेट कीपर को ही चेंज कर सकते हो। तो संजू सैमसन की जगह पर आप लोग चाहो तो यहाँ पर ईशान किशन जो है उसको चेंज करोगे तो हो जाएगा,
डेविड वार्नर जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में है, तो आप लोग डेविड वार्नर की जगह पे एरन फिंच को अगर लेके जाना चाहते हो एज ए बैट्समैन, तो वो आपके टीम में सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप लोग रोहित शर्मा की जगह पे रविंद्र जडेजा को लेके जाना चाहोगे तो सब्स्टिट्यूट विथ हायर क्रेडिट देन युजवेंद्र चहल आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे इनको आप लोग लेके नहीं जा सकते हो। और फिर यहाँ पे देख सकते हो युजवेंद्र चहल जो हैं उनके जगह पे आप रविंद्र जडेजा को लेके नहीं जा सकते हो। तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हो सब्स्टिट्यूट से सब्स्टिट्यूट यहाँ पे आप लोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी गया है कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय सब्स्टिट्यूट बैकअप। ठीक है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय सब्स्टिट्यूट बैकअप। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है सब्स्टिट्यूट से सब्स्टिट्यूट आप लोग रिप्लेस नहीं कर पाओगे बैकअप में। सब्स्टिट्यूट से अनाउंस प्लेयर कर सकते हो, अनअनाउंस से अनाउंस प्लेयर कर सकते हो, तो ये सभी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट से सब्स्टिट्यूट, अनअनाउंस से अनअनाउंस और अनाउंस से अनाउंस प्लेयर को नहीं चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो बैकअप के रूप में यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टीवन स्मिथ जाएगा तो लोकेश राहुल आपके टीम में आ जाएगा, संजू सैमसन को आप लोग हटा के ईशान किशन को लेके जा सकते हो, अरुण फिंच के लेके जा सकते हो डेविड वार्नर की जगह पे, लेकिन यहाँ पे रविंद्र जडेजा को आप लोग किसी के भी जगह पे नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि न्यू जो है यहाँ पे कैप्टन अरुण फिंच एज डेविड वार्नर, यहाँ पे जो डेविड वार्नर आपके टीम के कैप्टन थे तो उसके जगह पे अरुण फिंच को लाओगे तो अरुण फिंच आपके कैप्टन हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। और न्यू बीसी केएल राहुल एज स्टीवन स्मिथ, अगर आपने किसी प्लेयर को वीसी बनाया है और वो प्लेयर जो है यहाँ पे अगर आप लोग अनअनाउंस्ड है या फिर सब्स्टिट्यूट है तो उसके जगह पे अगर चेंज करते हो तो जिस प्लेयर को उसके जगह पे लेके आओगे वो प्लेयर आपका जो है वीसी बन जाएगा। तो ऐसे पूरा वर्क करता है। और अब उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर अभी भी कोई दिमाग में आपके डाउट हो तो आप लोग ईजिली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सब कुछ आपको डिटेल से बता दूंगा ताकि आप लोग ईजिली इसका लाभ उठा पाओ। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।